साथियों नमस्कार, बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बरेली के 2 बार के मेयर रह चुके डॉक्टर आई एस तोमर जी। तोमर जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। तोमर जी बताइए, जैसे कि नगर निगम के चुनाव थोड़ा डिले हो रहे हैं और आपकी संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं, पब्लिक आपको बहुत चाहती है, तो इस संबंध में आपकी क्या तैयारी चल रही है और क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, मेरे इसमें ये कहना है कि अभी चुनाव का ये नहीं मालूम कि कब होंगे। उम्मीद ये है कि मई तक चुनाव जा सकते हैं, तो तैयारी तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करनी इसमें। और जब चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ा जाएगा। जनता की यदि इच्छा है, जनता चाहती है, तो हम चुनाव लड़ेंगे जी और जीतेंगे भी, ऐसे उम्मीद है। तो बरेली के विकास को पिछले 5 साल में आप किस तरीके से देखते हैं? क्या चेंजेस आप जो आप छोड़ के गए थे, क्या वही चीज़ आगे बढ़ी है या पीछे गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बरेली की बात जब बात करें या किसी भी विकास की बात करें, विकास एक निरंतर चलने वाली चीज़ है जी। विकास कभी भी पूर्ण नहीं होता। जो चीज़ आज बनी है, वो दोबारा 5 साल के बाद हो सकता है, रिपेयर मेंटेनेंस मांगती है जी। तो जिस हिसाब से धनराशि खर्च हुई है, मेरे हिसाब से उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ है जी। कहने को लोग ये कहते हैं कि साहब 70 साल में विकास नहीं हुआ, अभी विकास हुआ है, तो ये सरासर गलत है। कभी भी अपने से पहले या अपने से बाद में कहने वाले, ये गलत चीज़ है। विकास एक निरंतर चलने वाली चीज़ है जी। हमसे पहले, हमने 2000 में आए, हमसे पहले सुभाष पटेल जी थे, उनसे पहले राजकुमार जी थे, उन्होंने अपने समय में विकास किया। सीमित संसाधनों में जो संभव था, उन्होंने विकास किया। सीमित संसाधनों में जो हमारे पास था या सुप्रिया जी के पास था, उन्होंने किया। और वही सीमित संसाधन अब भी है, असीमित संसाधन नहीं होते। लेकिन चीज़ ये होती है कि उस सीमित संसाधनों को आप कैसे यूटिलाइज करें, और वो यूटिलाइजेशन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से होना चाहिए था, वो यूटिलाइजेशन इन 5 सालों में नहीं हुआ जी। पैसे को थोपा गया है, ये मालूम नहीं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, कहाँ कार्य कर रहे हैं। नाले बनाए गए, नाले आज तक जोड़े नहीं गए, तो ये एक अव्यवस्थित विकास है जी। जैसे श्यामतगंज पुल जो है, लोग कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की देन है, आप भी उस पर क्लेम करते रहे हैं, ऐसे ही जो नया पुल बन रहा है हमारे कुतुब खाना के लिए, तो इसे भाजपा इसका क्रेडिट ले रही है और बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट भी जो बीजेपी अपनी तरफ ले रही है, और सपा की तरफ उंगली कर दी जाती है कि ये गुंडों की पार्टी है, यहाँ कोई विकास नहीं होता, सिवाय वसूली के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मैं एक बात पूछता हूँ, जो ये लोग कहते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए कि कोई माई का लाल श्यामगंज फ्लाईओवर मेरे अलावा बनवा देता जी। इसमें केवल जो है अखिलेश जी का योगदान, उन्होंने धनराशि दी, स्वीकृत किया और मैंने खड़े होकर बनवाया, बिना किसी विरोध के बनवाया। रिकॉर्ड टाइम में बनाया, 18 महीने का टाइम था, 12 महीने में पूरा कराया जी। आज वो लाइफ लाइन है शहर की, उसका उद्घाटन कोई कर ले। अब उद्घाटन करते समय भी आप इतने बेशरम हो जाओ कि दूसरे व्यक्ति को उसमें बुलाए ना, कोई महत्व ना दे, तो ये उनकी बेशर्मी है। बात रही कुतुब खाने की, कुतुब खाना जो है वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, वो किसी पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं है जी। ये पार्टी का प्रोजेक्ट था, पार्टी ने बनवाया था श्यामतगंज फ्लाईओवर जी, समाजवादी पार्टी के समय पर बना। तो भाई साहब, जो गुंडागर्दी आज हो रही है, शायद वो समाजवादी में नहीं थी, समाजवादी के गुंडे तो पीछे छूट गए, अब तो भाजपा गुंडे हो रहे हैं जी। आप देख लीजिए थानों में क्या हो रहा है, पुलिस वालों पर क्या हो रहा है, गाड़ी तक चढ़ा दी जाती है, ये सारी चीज़ें हो रही। तो ये कहना तो गलत है कि सब वहाँ गुंडे थे या नहीं है। ये तो जिसके हाथ में सब ताकत आती है, पावर आती है, उसका इस्तेमाल गलत करता है। ये ऐसा ही आपने कहा, ऐसे ही जो वर्तमान के मेयर हैं उनके खिलाफ कुछ लोगों का कहना है, गलत धारणा बना दी जा रही है, एक महिला द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, इसमें मेरे कहने का बहुत कुछ नहीं है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आरोप गलत हैं जी, तो आरोप लगाने के खिलाफ कानूनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जी। और यदि आरोप सही है, तो जिसने दुष्कर्म किया उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक लगातार खिसकता जा रहा है, आजमगढ़ की सीट चली गई, रामपुर में चली गई, और ले दे के बहुत मुश्किल से आज वहां पे अपनी सीट बचा पा रही हैं पिंपल यादव, तो क्या कहना चाहेंगे कि वापस आ पाएगी समाजवादी पार्टी प्रदेश में? विधानसभा चुनाव से पहले किसी को उम्मीद थी कि समाजवादी नहीं आएगी? हर आदमी कहता था कि अब तब्दील होगी, समाजवादी पार्टी आएगी जी। केवल 70 सीटों पर जो है बेईमानी करी गई जी,
तो भाई साहब पार्टी तो हमारी दो इसमें भी आ गई थी 2022 में। रही बात आपकी आजमगढ़ की, ये सत्ता का चुनाव, रही रामपुर की बात, रामपुर में आप देख लें, रामपुर का केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। मुझे बता दीजिए 13-14 राउंड तक एक आदमी 30,000 से आगे चल रहा है, इसके बाद सारे पत्रकार बाहर कर दिए जाते हैं, सब लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, काउंटिंग होती है, 30वें राउंड की घोषणा होती है। तो वो तो दैट वाज ऑल मैनिपुलेटेड। अच्छा, आपका जब चुनाव हुआ था तब भी आपने इसी तरीके के आरोप लगाए थे कि तो आपको आरोप, बहुत अच्छा आरोप बिल्कुल सही थे, गलत नहीं थे, कि आप बहुत राउंड तक आगे चल रहे थे, उसके बाद पीछे कर दिया गया आपको। ये बिल्कुल सही है। लोगों से आप पूछ लें कि जो है 8 या 10 राउंड का जो है वो डिक्लेयर ही नहीं किया था, सीधे जाकर के 10 राउंड जोड़ दिए थे इकट्ठे। तो इस बार भी क्या ऐसा ही होगा? आपको तो फिर वही सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। करेंगे करेंगे क्यों नहीं करेंगे। इन चीज़ों से डर के घर बैठ जाना तो समाधान नहीं है ना, और हर दफ़े हर चीज़ नहीं होती। हमने उस चुनाव से कुछ शिक्षा ली है, उस शिक्षा को इस्तेमाल करेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक, तो बरेली की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, क्योंकि चुनाव भी अब थोड़े समय बाद होगा और आपके कार्यकाल को लोग भूले नहीं हैं, आप अपने कार्यकाल की कुछ बातें जरा बताना चाहें थोड़ी सी, जो लोगों के दिमाग में रह गई हैं, जैसे कि देखिए जहाँ तक सवाल यह है कि मेरे कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि को ईमानदार रहना चाहिए, जी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। जब भ्रष्टाचार में आप लिप्त नहीं होंगे तो नीचे के कर्मचारी और अधिकारियों को भी कम से कम लिप्त नहीं होने देंगे। जब आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं तो फिर नीचे वाला कोई नहीं रुकेगा। वो पैसा जो आप भ्रष्टाचार में जा रहा है वो पैसा विकास में लगेगा, और यही उदाहरण मैंने अपने 2 कार्यकाल में पैदा किया है। और बाकी जितना मैं आपको बता दूं, मैंने 2000 में जो है वो चार्ज लिया। जी बरेली में केवल एक सड़क थी 4 लेन, पटेल चौक से और चौकी चौराहे तक। जी उसके बाद मैंने सारी 4 लेन बनवाई, प्रभा टाकेज के आगे की 4 लेन कराई, गांधी उद्यान से श्यामगंज और श्यामगंज से लेके डेला पीटा की 4 लेन कराई, सर्किट हाउस से लेकर के चौकी चौराहे तक 4 लेन कराई। ये सारी 4 लेन का रिवाज मैंने डाला। मेरे ऊपर आरोप भी लगाया कि साहब वो फला आदमी को आप सहायता करने के लिए 4 लेन करा रहे, लेकिन वो सब बेकार के और बेवकूफ़ी के थे। आज 4 लेन या तो 6 लेन की आवश्यकता है। दूसरे कार्यकाल में जो बच्चा था वो 4 लेन कराए, डेला पीर से लेकर के ये आपका धर्म कांटे तक, ये हुआ। आईवीआर रोड का कराया मैंने, उसमें 100 फुटा रोड का जो हालत थी वो सबको मालूम है, 100 फुटा रोड हमने कराई। तो ये सारे जितने कार्य हैं तो सब लोग याद रखते हैं, अन्यथा ऐसा तो कुछ मुझ में है नहीं कि मेरे बिरादरी का वोट हो या जाति का वोट हो, वो तो है नहीं जी।